अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। ढाबे को लेकर हमारे जहन में दो चार क्वेश्चन था। जी जरूर, बस वो दो चार क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी, और सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे व्यूवर्स का वो कहना था, आप इनको थोड़ा सा वो अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, मैं इस ढाबे के मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूँ। जी, जो अब हमारा अल्लाह का शुक्र है कि ये ढाबा खुल चुका है, सर्विस कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी जी हाँ, तो सैफ भाई, इस ढाबे के बारे में ज़रा कुछ लोकेशन बताइए, मतलब क्या। जी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ इसकी लोकेशन कहाँ पे है। आप सीधा फूलपुर मोड़ पे आएंगे, नीचे खुरासन रोड, वहाँ ताहिर मंजिल है, ताहिर मंजिल के पास दवा फार्मेसी है, उसी के पास हमारा ये ढाबा लोकेटेड है। इसकी लोकेशन आपका नियर बाई रेलवे स्टेशन भी है, आपका ये मोड़ भी है, तो लोकेशन एक परफेक्ट जगह है, आपको आने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो भाई, तीसरा क्वेश्चन ये था आपसे कि इस ढाबे की जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, मतलब इस ढाबे को खोलने का इतना फाड़ू आइडिया आपके पास कैसे आया। जी, इस ढाबे की जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊं तो रहीम भाई, जैसे हम लोग देखते थे कि हमारी लोकेलिटी में 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास कोई भी फैमिली रेस्टोरेंट और ढाबा नहीं था। जी, तो हम लोग इसी को लेके सोच विचार हुआ साथियों में और घर पे भी बात हुई, तो उसके बाद प्लान बना, फिर उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सक्सेस हुए, आज इस ढाबे की ओपनिंग कर रहे हैं। जी, तो वली भाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। बहुत अच्छा ख्याल है। देखो, मैं इस ढाबे का रीज़न बताऊं किस लिए यहाँ खुला। फूलपुर में एक भी ढाबा नहीं था। जी, बच्चे बहुत दूर जाते थे, सब लोग पैसा जुटा उठा के लेके जाते थे, सौ सौ, हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी जाते थे, तो रास्ते में इतनी दिक्कत होती थी। यहाँ से लोग बच्चे जाते थे बहुत 25-30 किलोमीटर दूर जाते थे, वहाँ खाना खाने जा, बीच में चेकिंग हो रही है, आजकल इतनी चेकिंग होती है कि साला पूरा पैसा पुलिस वाले ले लेते थे, और हम लोग पनीर मुर्गी सोच के पनीर खा के आते थे। तो मेन रीज़न यही था कि जो आस पास के गाँव वाले सब बच्चे आके यहीं खाएँ, और इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट है कि कोई दे नहीं सकता, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इतनी बेहतरीन सर्विस हम लोगों के पास, रुको पहले मुझको बोलने दो जो मामू, मैं ये कहता हूँ कि 15 मिनट के ऊपर 16 मिनट नहीं होगा आपको, कोई भी ऑर्डर आप दे के देख लीजिए, मटन हो, चिकन हो, गोभी हो, पलकी हो, मुरई हो, कुछ कुछ भी दे दो आप, समझे। इसीलिए हम लोग ये ढाबा खोले हैं। ढाबा खोलने का मेन रीज़न यही था। यही था, हम लोग जाते थे तो आधा घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, पूरा साला जितना भूख के एसिडिटी हो जाती थी, भूख ही मर जाती थी। इसीलिए हम लोग ये ढाबा वजूद में लाए, और ये वजूद नहीं, इसकी ब्रांच इतनी खुलेगी कि पूरे आजमगढ़ में तहलका मचेगा। और वाली सबसे और बहुत दूर दूर और तक बात हम लोग भूल गए कि गाड़ी का पेट्रोल डीजल, अरे ये तो मेन का 100 रुपया डीजल और पेट्रोल है, उससे पैदल आकर आदमी खा के वहां करते हुए चला गया। और उससे भी बड़ी बात है कि जब हम लोग वहां से 5,000-6,000 उड़ा के आते थे, पेट्रोल उड़ा के टाइम अपना दे के आते थे, उसके बाद भी खाना आता था घर खत्म हो जाता था, ऐसा लगता था कि कुछ खाए। माऊ, मजे की बात मैं आपको ये बताऊं, जैसे आप निकले घर से, बताए नहीं कि मैं जा रहा हूं खाना खाने, तो अब जब आप निकले उसके बाद चाय का छोड़ो, आप निकले घर से, तब तक फोन आ गया घर से, कह रहे यार आओ जौन है, अबू बुलावत है। अब साला भाग के आदमी को जाना पड़ा, उसके पता चला, कह रहे थे चरपैया बिछाए गए। अब इतना बताओ, अब तुम आजमगढ़ गए हो खाना खाने, अब आजमगढ़ से तुम यहाँ आओगे, घर आके चरपाई भी चलो, कैसा महसूस होगा, दिमाग खराब हो जाएगा साला। अब यहाँ अब यहाँ पढ़ते गए, पढ़ते आजमगढ़ गए खाना खाने, उसके बाद मामू आके पलकी साग खा रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा। वली, यहाँ जितनी भी लोकेलिटी में हमारे गाँव है, जो भी आस पास के गाँव, वहाँ पे हम लोगों की सर्विस होम डिलीवरी रहेगी, फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल रहेगी, फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल, ये हमारा मैनेजमेंट का फैसला, बिल्कुल सही फैसला। हाँ, तो सैफ भाई, आप बहुत से ढाबा और रेस्टोरेंट पे घूमे होंगे, तुम्हें हर कोई ना कोई जगह पे यूनिक चीज देखने को मिली होगी। जी, तो हमें यहाँ पे क्या यूनिक चीज देखने को मिलेगी। जैसे यूनिक चीज जो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो देखने की मिलेगी वो सर्विस होगी। आपसे अगर बोला जाएगा कि 20 मिनट में आपका खाना लग जाएगा, तो वो 20 से 21 मिनट नहीं होगा। जी,
20-25 मिनट में बोला जाएगा तो वो 25-26 मिनट नहीं होगा, 15 मिनट बोला जाएगा तो 15-16 मिनट नहीं होगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ यूनिक के साथ साथ अच्छी करें, बेस्ट ऑफ बेस्ट दें लोगों को, खाने में टेस्ट दें, सर्विस अच्छी दें, उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। तो सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा करने के साथ साथ यूनिक करेंगे इंशाल्लाह। ये तो पब्लिक को भी पता चल जाएगा आने वाले वक्त में, पब्लिक चीज़ें एक्सपीरियंस करेगी, अभी बताने से तो कुछ नहीं होगा। मामू अब ज़्यादा ये जो हमारा शेफ है उसकी 26 साल उम्र है। अच्छा जी। 16 साल उसका एक्सपीरियंस है, 10 साल की एज में वो काम मिडिल ईस्ट से लेके दुबई, बॉम्बे, यहाँ वहाँ हर जगह गया है, तो वो खुद ही यूनिक है। हमें यूनिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो जिसमें हाथ लगा दिया वो यूनिक है। तो भाई हम सभी को तो पता है दिल्ली दरबार तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, लेकिन यूनिक के साथ साथ खाने में कुछ स्पेशल है कि नहीं? खाने की बात कर रहा हूँ मैं, खाने में कुछ स्पेशल है कि नहीं? खाने में बहुत सारे चीज़ स्पेशल है, आप हमारा मेनू कार्ड देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि कैमरामैन से कि वो हमारा मेनू कार्ड आके दिखा दे, हर एक चीज़ स्पेशल है, हर एक चीज़ जो बहुत नाप तोल की इसमें रखी गई है। और दिल्ली दरबार जो एक बहुत बड़ा नाम है, ये हिंदुस्तान का कैपिटल है, उसी बेस पे हम लोगों ने दिल्ली दरबार नाम रखा है। और वही सारी चीज़ें एक नाम रखने की वजह ये भी है कि जो है जब आप दिल्ली की जामा मस्जिद वाली गलियों में जाएंगे वहाँ जो खाने का लुत्फ आता है ना, है उसका लुत्फ यहाँ मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगी जी। वो असलम भाई का बटर चिकन, वो जावेद की निहारी, और जो है आपका जो भी केवाब्स हो गए, केवाब्स बहुत अच्छे मिलते हैं दिल्ली में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, सारी चीज़ है। और मैं कुछ अपने मेनूज में बता दूँ, हमारे पास समंदर का बादशाह है जो कि पूरी लिस्ट है, कम से कम 19-20 आइटम है। और मामू सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग मछली लाइन से बहुत सालों साल से अच्छा तो, पूरी मार्केट में पूरे आजमगढ़ में यही फेमस है कि हम लोग मछली लाइन से हैं, तो हम लोग मछली में नंबर एक की चीज़, इसीलिए हम लोग जो मछली का बेस्ट है, पापलेट हो गई, झींगा हो गया, पॉम्फ्रेट हो गई, सुरमई हो गई, और बादशाह हो गई, ही सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी और लुत्फ उठाएं। और सी फूड्स हैं, बासमती की शान है, हमारे पास चाइनीज़ स्टार्टर्स हैं, और चाइनीज़ में सारे आइटम्स हैं, आपको नूडल्स भी मिलेंगे, चाइना हम लोग उठा लें। और प्लस हमारे पास हमारे पास जो है वो वाली देखो ये बात, सब्जी मंडी भी है। अच्छा अच्छा, आपको पनीर के साथ साथ आपको पनीर मिलेगा, पनीर चिल्ली, पनीर मसाला, मटर पनीर, शाही पनीर, उसके साथ साथ आपको मशरूम भी मिलेगा, मशरूम के 5-6 डिशेज हैं, आपको चना मिलेंगे, तो ये सारी चने, बड़े चने, छोटे चने, कच्चे चने, हरे चने, हर एक वैरायटी। ऐसा नहीं सिर्फ नॉन वेज है, वेज के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन लोगों ने रख दिए हैं। प्लस जी सूप्स मिलेंगे आपको, चाइनीज सूप मिलेंगे, देसी चिकन सूप मिलेंगे, टोमेटो सूप मिलेंगे, तो सारी चीजें जी। ये भी भली बड़ा वो ताकतवर, एक नंबर की चीज है करेला, तो ये सारी चीजें खराब हो जाए हम लोगों को यूनिक बना देती है। खैर वो तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया हम लोगों को जी। वली हमें तो इनका शुक्रगुजार होना पड़ेगा, क्यों कि बच्चे चल के आए, सारा ढाबा लोगों को दिखा जी, दिया जी, बिल्कुल। और हम लोग एकदम निठल्ले हैं, हम लोगों को कोई काम ही नहीं नहीं, 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 नहीं ये क्या नहीं काम है वली हा? ये काम नहीं, नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत अल्लाह ने सब पूरी करवा दिया, और बस अब खिदमत का मौका था, खिदमत कर लिए। और आपके तमाम सब्सक्राइबर से यही गुजारिश करेंगे कि वो एक बार आए, खाने का लुत्फ लें, हम उनको जायका देंगे वली, ये कहने की बात नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे उनको, एक अपना टेस्ट देंगे, वो जाएंगे फिर आएंगे। हाँ दोबारा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कब से पका रहे हैं, अब जाएं। और नहीं नहीं, और जो है मैं इनके तमाम नहीं नहीं बिल्कुल देखने वाले आप लोगों से पूछा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, ये हम लोगों के फॉलोअर्स का। अच्छा अच्छा, फॉलोअर्स पूछे थे आप लोग, फॉलोअर जितने भी व्यूअर्स जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चे इतनी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और स्टार भेजते रहे। स्टार नहीं, इस यूट्यूब पे स्टार नहीं आता, फेसबुक पे भेज दें और फेसबुक पे नहीं। हाँ, और जो है ताकि बच्चों को हौसला मिले, ये बच्चे आगे जाएं। अब जब इसमें है तो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे ये तो पीछे हो जाएंगे। हाँ, और हाँ, और कहो उनके बच्चे आगे जाना चाहिए। और अभी अभी सब 17-18 साल की है के ही है माशाल्लाह से। हाँ, और इतना टैलेंट है, दो तीन सबके पास है। हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा इंटरव्यू? लाइक, अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो कमेंट्स में लाइक करें। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हमारा क्या बोलते हैं, हमें अमेजॉन फॉरेस्ट का पार्ट 2 आने वाला है, जल्दी वेट कर लीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह।